वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के बारे में, मींस बीएससी नर्सिंग के बारे में कि आप लोग बीएससी नर्सिंग कौन से कॉलेजेस से कर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर डूइंग दिस कोर्स, आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी सैलरी ट्रेंड क्या होगी, आपकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स है जहां पे आप जॉब कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। नो ऑल अबाउट बीएससी इन नर्सिंग कोर्स कि बीएससी इन नर्सिंग कोर्स होता क्या है। इट इज नर्सिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल मैलेडीज। नर्स कंस्टेंटली हैव टू मॉनिटर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड रेगुलर इंटरवल्स। दे ऑल्सो असिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड हेल्प सेट अप मेडिकल इक्विपमेंट इन ऑपरेशन थिएटर्स एंड क्लिनिकल लेबोरेटरीज। गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर डूइंग दिस कोर्स। इट इज बीएससी बेसिक के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड शुड बी मेडिकली फिट। एंड बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए कैंडिडेट शुड पास 10+2 इन पीसीबी। दोज हु हैव पास्ड 11th आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस कोर्स। द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड एज रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। लेट्स सी द कोर्स हाइलाइट्स। The level of this course is graduation. Duration of this course is 4 years. Examination type is semester wise. Eligibility for doing this course is 10+2 with physics, chemistry and biology. Admission process is based on entrance examination. Course fee is ₹20,000 to ₹1.5 lakh per annum. Average starting salary guys jo hai wo that is starting from 2 lakh to 5 lakh per annum. ये मैं आपको सैलरी पूरे ईयर की बता रहा हूँ। इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एम्प्लॉयमेंट एरियाज दिस दैट इज डिफेंस सर्विसेज, कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ डिपार्टमेंट एटसेट्रा। गाइस आप लोगों की जो जॉब प्रोफाइल हो सकती है दैट इज केस मैनेजर, सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स एनेस्थेटिस्ट, नर्स एजुकेटर, नर्स प्रैक्टिशनर, स्टाफ नर्स एटसेट्रा। टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हायर कर सकती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स दैट इज अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, फोर्टिस हेल्थ केयर, मेदांता मेडिसिटी, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, वर्क हार्ड हॉस्पिटल्स, ग्लोबल हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल एंड मेनी मोर। गाइस रिक्वायर्ड स्किल सेट्स क्या होनी चाहिए फॉर डूइंग दिस कोर्स। That is good communication and observation skills, ability to answer questions and offer advice, decision making skills, organizational skills, etc. Guys, कौन कौन से common entrance exams हैं जिनको देने के बाद आप लोग BSc in nursing में admission ले सकते हैं। The very first is AIIMS, second is AFMC entrance exam, the third is BSc nursing program entrance exam that is taken by Nitya University Mangalore, BSc Nursing Entrance Exam that is taken by Banara Hindu University, BSc Admission Test, Paramedical Entrance Test for Admission to BSc Nursing Course, CMC Ludhiana Entrance Test for Admission to BSc Nursing, JIPMER Integral University Entrance Test, IGNU Open Net, Alia University Admission Test etc. Guys, बात कर लेते हैं कुछ colleges की और वहाँ के fee structure की और उनके location की कि कौन से state में कौन सी जगह पे है जहां पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं फॉर डूइंग दिस कोर्स। द वेरी फर्स्ट इज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, एवरेज ट्यूशन फी इज ₹25,000 पर एनम। श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई, एवरेज ट्यूशन फी इज ₹50,000 पर एनम। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, एवरेज ट्यूशन फी इज ₹55,000 पर एनम। केली यूनिवर्सिटी बेलागाम, एवरेज ट्यूशन फी इज ₹51,000 पर एनम। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे, एवरेज ट्यूशन फी इज ₹80,000 पर एनम। अन्नामलई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम,
एवरेज ट्यूशन फी इज रुपीज 56,000 पर एनम। गाइस ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनके नाम हमने आपको बताए, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर डूइंग दिस कोर्स। अगर आपको और भी कॉलेजेस जानने हैं इन योर सिटी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इवन आप लोग हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड हमारी वेबसाइट का नाम आपको अगर मैं बता दूं दैट इज allschoolscolleges.com। आप वहां पर भी जाकर के अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले। गाइस बात करते हैं आपका सिलेबस क्या होने वाला है इन बीएससी नर्सिंग इन फर्स्ट ईयर, दैट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंग्लिश। इन सेकेंड ईयर दैट इज सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। थर्ड ईयर का सिलेबस दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। इन योर फोर्थ ईयर जो आपका सिलेबस है दैट इज मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। गाइस बात करते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या क्या है एमएस इन बीएससी नर्सिंग, दैट इज इंडस्ट्रियल नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, हॉस्पिटल नर्सिंग, होम हेल्थ नर्सिंग, फिजियाट्रिक नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। ये सारे गाइस स्पेशलाइजेशन है जिनमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं इन दिस फील्ड। प्राइवेट सेक्टर करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी नर्सिंग दैट इज मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर सेंटर्स, नर्सिंग होम्स, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, ये सारे गाइस प्राइवेट जगह हैं जहां पे आप लोग जॉब कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। गाइस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरियाज क्या होंगे आफ्टर दिस कोर्स, दैट इज केस मैनेजर, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, नर्स एजुकेटर, स्टाफ नर्स, इन सारी पोस्ट पे, इन सारी जॉब प्रोफाइल पे आप वर्क कर सकते हैं एज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरिया के अंदर, इन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरिया के अंदर। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या होने वाला है उसके अंदर क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, दैट इज पैरामेडिक नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग सुपरवाइजर, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स एटसेट्रा। कौन कौन सी गाइस टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको हायर करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग। द वेरी फर्स्ट इज अपोलो हॉस्पिटल्स, द सेकेंड इज मेदांता, द थर्ड इज फोर्टिस, द फोर्थ इज ग्लोबल हॉस्पिटल्स, द फिफ्थ इज मैक्स हेल्थ केयर, कोलंबिया एशिया, वर्क हार्ट फाउंडेशन, मणिपाल हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। गाइस बात कर लेते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक्स आपकी सैलरी की, कि आपकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है एंड आप कौन से हॉस्पिटल या फिर कौन से इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं। अगर आप एक केस मैनेजर है तो आपकी मिनिमम सैलरी 2 लाख टू मैक्सिमम 9 लाख पर एनम तक गाइस हो सकती है। अगर आप एक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.8 लाख टू मैक्सिमम 4.2 लाख पर एनम तक हो सकती है। गाइस अगर आप एक नर्स एजुकेटर है तो आपकी मिनिमम सैलरी 2 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख पर एनम तक हो सकती है। अगर आप एक नर्स प्रैक्टिशनर है तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.2 लाख टू मैक्सिमम 3.6 लाख पर एनम तक हो सकती है। अगर आप एक स्टाफ नर्स है गाइस, अगर आप एक स्टाफ नर्स हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.2 लाख टू मैक्सिमम 3.6 लाख। अगर आप एक रिसर्च एसोसिएट है तो गाइस आपकी मिनिमम सैलरी 2.4 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख पर एनम तक हो सकती है। गाइस आप लोग अपने स्क्रीन पे एक डाटा दिख रहा होगा, आप लोग अपने स्क्रीन पे ये सारा सैलरी का डाटा है। ये जो आपको ब्लू वाली लाइन नजर आ रही है ये आपकी मिनिमम सैलरी है, द ब्राउन लाइन इज मीडियम सैलरी एंड द ग्रीन लाइन इज मैक्सिमम सैलरी। गाइस अगर आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो अबाउट दिस कोर्स और अबाउट एनी कोर्स तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, हमारी वेबसाइट है allschoolscolleges.com। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप ऑल्सो। टिल देन बाय बाय, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल स्कूल्स कॉलेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइस।